हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों अभी सब दिन की तरह फिर से आ गया हूँ इधर घूमने। और दोस्तों आज जो है ना, नेट की स्पीड देख करके तो दिल ही खुश हो गया दोस्तों। मात्र 5 मिनट में ही 800 MB का वीडियो अपलोड हो गया, जिसे अपलोड करने में घर पर अपलोड करते थे तो पूरे रात लग जाता था, 12 घंटा। और 800 MB का वीडियो 5 मिनट में अपलोड हो गया है, क्योंकि 10 MB 15 MB के स्पीड चल रहा था नेट, इसकी वजह से। तो चलिए अभी दोस्तों फ़िलहाल थोड़ा सा घूम के आते हैं। और अभी सुबह का मौसम है तो कल पछिया हवा वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, हाथ गोर पैर पूरा कनकन आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है। तो अभी मैं आ गया हूँ, यहाँ का व्यू देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। अभी धुंध थोड़ा थोड़ा लगा है, देख सकते हैं अभी लगा है। और ये साइड से जो है ना, पूर्व साइड लाली है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो अब सूर्योदय भी होगा ही, क्योंकि 6:15 अभी हो रहा है, तो 6:30 बजे होता है सूर्योदय। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे काम हो रहा था बाउंड्री का, वो इतना पर पहुँचा हुआ है सिर्फ उस साइड से। और यहाँ तक भी इधर भी होगा, वो ईंटा देख रहा है, ईंटा सा खुदाया हुआ है, निकाला हुआ है, तो ये सब्र होगा। तो अभी उधर ही हो रहा है दोस्तों। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा आगे से फ़िलहाल घूम के आते हैं, उसके बाद फिर घर पर चलेंगे। और माल बहुत सारे ख़त्म हो गया है, तो पैसा तो कम ही है, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे से घूम करके चलते हैं घर पर। घर पर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी आ गए घर और टाइम हो गया अभी 7:15। अभी माल सरियाला रहा हूँ, जो जो कमी है वो तो अभी कमी है ही, वो सीट आ गया हुआ है, तो उसको अच्छे अच्छे से गिनती करके सरियाते हैं। और गमछा भी इधर सरियाना है, अभी देख सकते हैं। और ये बोल रहा है वीडियो बनाने के लिए हमको कृष्णा रावण, और ये कृष्णा है इधर खेल रहा है चौकी पर। तो अभी चलते हैं, अभी सबको सरिया लेते हैं, अभी 7:15 हो रहा है, तो चलते हैं सरिया सरिया करके फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी सारे माल को सरिया लिया, अभी गमछा वमछा सारा हो गया है, झोला कैरेट इधर सब हो गया। और अभी चलते हैं स्नान करने, टाइम अभी 9:15 हो गया है और धूप आ गया है, देख सकते हैं। तो चलते हैं अभी स्नान करके। अभी आ गया हूँ दोस्तों छत पर, और पानी भर के ले आया हूँ, देख सकते हैं बाल्टी में, क्योंकि दोस्तों अभी मोटर हमारा ख़राब हो गया है, तो पाइप उधर रखा हुआ है सब, लेकिन मोटर ख़राब है तो पानी भर के लाना पड़ता है हाथ से। तो 2 बाल्टी लाए हैं, 1 बाल्टी और लाएंगे उसके बाद में। अभी स्नान स्नान कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। और अभी चलते हैं स्नान करते हैं, स्नान करके। और प्लाजो व्लाजो तो ख़त्म हो गया है, क्या करें, देखते हैं क्या होता है, तो चलेंगे माल लाने। तो दोस्तों अभी मैं स्नान स्नान कर लिया हूँ, और टाइम हो गया है लगभग कितना, टाइम 9:30 हो गया है। और दोस्तों एक और बात आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं कि दोस्तों जब नहा रहा था तो बहुत अजब फीलिंग आ रहा था मेरे अंदर। इस तरह का फीलिंग था कि दोस्तों मैं जो हूँ ना, पूरी तरह से फ्री होऊँगा, क्योंकि दबाव नहीं होना चाहिए। कितना अच्छा रहेगा जब कोई दबाव नहीं रहेगा, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहेगा अपने ऊपर, तो काम करने में कितना अच्छा लगेगा, कितना हौला महसूस होगा। तो इस तरह का अजीब सा फीलिंग आ रहा था। इस समय जो है ना, मैं बहुत ही दबाव में हूँ, इसकी वजह से काम में इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। और जिसकी वजह से मतलब कि एगो पैसा चुकाता हूँ और एगो सर पे चढ़ा रहता है कि उसको देना है उसको देना है, इसकी वजह से पैसा हाथ से निकलता जाता है और इधर उधर खर्चा होता है घर में, और अपना पॉकेट खर्चा, पेट्रोल खर्चा, ये सब तो होता ही है। तो पैसा आमदनी होता है और निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं टिक पाता। इस वजह से भरपूर से माल भी नहीं लाते हैं, जब भरपूर माल नहीं रहता है तो अच्छे से सेलिंग नहीं हो पाता है। तो यही फीलिंग आ रहा था कि कब मैं सारे प्रेशर से दूर होऊंगा, ये तो असंभव है, क्योंकि टेंशन तो थोड़ा लगा ही रहेगा, लेकिन जो कर्जा है वो चुक जाए और
खाली कमाना खाना रहेगा, फैमिली को संभालना रहेगा तो ठीक रहेगा, तब जो है ना हौला थोड़ा हो जाएंगे, लेकिन जब तक कर्जा देने को रहेगा तब तक तो वैसा ही प्रेशर में ही रहेंगे। तो चलिए एक ना एक दिन वो सारा कंप्लीट जरूर होगा, ये सब होगा लगातार काम करने से, तो काम तो जारी रखेंगे ही। लेकिन दोस्तों मुझे इतना विश्वास जरूर है कि हमको जो भी प्रेशर है कर्जा देने का जो मेरे ऊपर है वो सब चुकाने का, वो एक ना एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं लक्ष्य बनाया हूँ कि इस 2024 में पूरा क्लियर करना है। लगभग 1.5 लाख रुपये है कर्ज, 1.5-2 लाख ले 1.65 है, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा इस 2024 के लास्ट तक। देखते हैं कब तक होता है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और दोस्तों एक और होता है ना कि जब कोई साथ नहीं देता है और आप जब ज़्यादा मुसीबत में है, कोई साथ नहीं देता है, मदद मांगते हैं, तो समझ आना कि ये परीक्षा है, जीवन का परीक्षा है, जो कि आपसे परीक्षा ले रहा है कि इस परीक्षा को अगर पास कर लेते हैं तो सफल हो जाएंगे। तो वही हमारे साथ परीक्षा चालू है, देखते हैं इस परीक्षा में पास होते हैं कि फेल होते हैं। चलिए हर किसी के ज़िंदगी में इस तरह का कोई ऐसा मोड़ जरूर रहता है जिसमें आपको जो है ना कोई साथ नहीं देता है और साथ ही साथ आपको ही उस मुसीबत से लड़ना पड़ता है, मुसीबत से लड़ के आगे निकलना पड़ता है। तो मैं भी फंसा हुआ हूँ परीक्षा में, अब देखते हैं परीक्षा हमसे पास हो पाता है कि नहीं। लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर है कि परीक्षा तो पास हो जाएगा, थोड़ा सा देर होगा लेकिन पास कर लेंगे। चलिए फिलहाल अभी दोस्तों अभी मैं नहा लिया हूँ तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा खाना खाएंगे, खाना खा के फिलहाल अभी चलेंगे माल लाने, क्योंकि मोटा मोटा आइटम जिसमें कमाई होता है वही आइटम से ख़त्म हो गया है। तो चलते हैं, जो रुपया है उसी का माल ले आते हैं। तो पहले खाना खाते हैं, अभी खाना का वेट कर रहे हैं, सरवन की मम्मी लेकर आ रही है तब तक। दोस्तों अभी खाना आ गया है, देख सकते हैं आलू गोभी का सब्जी है, दाल है और साग है और चावल है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, खाना खाते हैं, खाना खा के और निकलेंगे। तो फिलहाल जल्दी से खाना खाते हैं, 9:45 हो गया है। दोस्तों अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, टाइम हो गया है 10:15। फिलहाल चलते हैं दुकान पे, मिलते हैं सीतामढ़ी। हाँ दोस्तों अभी आ गए हूँ दुकान में और माल छांट लिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी भैया हिसाब कर रहे हैं, देखते कितना होता है। कम ही लेना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही माल लेना है, तो जो लेना है सो ले लिए हैं और हिसाब करवा लेते, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। तो हिसाब कर रहे हैं भैया, मैं माल लेकर जा रहा हूँ, ज़्यादा माल नहीं लेना था, इसके वजह से वो जल्दी ही ले लिए हैं। आधा घंटा समय लगा होगा छाटने, नहीं तो ज़्यादा सामान छाटना रहता है ना तो ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा सामान लेना रहता है तो। लेकिन मुझे आज थोड़ा ही लेना था, देख सकते हैं ये बोरा में ही आ गया है। और 3300 का माल लिया हूँ, 3310 रुपये का। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घर पर, और आज बताएंगे आप लोगों को कि आज मैं कौन कौन सा माल लाया हूँ और इस समय कौन सा माल मैं बेचता हूँ। तो चलिए फिलहाल दोस्तों चलते हैं घर पे और घर पे मिलते हैं। अभी आ गया हूँ, टाइम दोस्तों भी हो गया है, लगभग 3 बज रहा है और इधर कृष्णा है। और दोस्तों यही माल है, थोड़ा सा देखते हैं, ये थोड़ा सा क्या क्या है दिखाते हैं, निकाल रहे हैं। ना, ना। तो दोस्तों गिर गया, सबको रखना पड़ेगा।
दिखाते हैं क्या क्या है। तो उसको ये नाइटी है, देख सकते हैं नाइटी है सादा वाला। एक कुर्सी है, दूसरा दिया ये बिरयानी को भी नहीं लाए थे, तीन बिरयानी लाए हैं। एसी वाला पॉकेट वाला प्लाजो है, प्लाजो सेट है। फिर एक दूसरा कुर्सी लाया, नया वाला बजे नहीं लाए थे ये। और क्या क्या वाला दूसरा लाया नया डिजाइन का, एक प्लाजो है, हाथी प्लाजो है, पाँच बुलाया है। थोड़ा ही माला है, यही माल कितना लगभग 3,500 का। दोस्तों अभी सारे माल को तो बता ही दिया हूँ, उसके बाद में अभी माल उसरी आए हैं, उसके बाद में भैंस के लिए थोड़ा कुट्टी काट दिए हैं और अभी आ गया हूँ छत पे। और अभी दोस्तों खाना खा रहे हैं, तो देख सकते हैं ये खाना है, पराठा है, सब्जी है और साग है। और दोस्तों इधर लिस्ट बना रहा हूँ, तो इसका वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा या मिलने वाला है। ये वाला वीडियो आज ही डालने की कोशिश करेंगे, तो चलिए अभी खाना खाते हैं, उसके बाद में इसको वीडियो बना करके डालेंगे और उसके बाद में बाजार भी चलना है। टाइम दोस्तों अभी 4:15 हो गया है, तो खाना खाते पहले बाजार चलते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लिस्ट बना करके उसके बाद में बाजार चलेंगे, फिर खाना खाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी चलते हैं बाजार, लिस्ट वाला वीडियो बनाते जो है ना लेट हो गया है, तो अभी बाजार अब पहुंचने वाले हैं, चलते हैं सब्जी लेकर के, मिलते हैं बाजार पर दोस्तों। बाजार आ गए हैं और इधर बाजार लगा हुआ है, चलते हैं सब्जी ले लेते हैं, बड़ा भी ले लिया, चलते बाजार। कैसे गोभी? 10 रुपये किलो। गोभी कैसे? ठीक है। दोस्तों अभी 7:30 हो रहा है और अभी मैं खाना वाना खा लिया हूँ और अभी चलते हैं बिस्तर पे, अभी वीडियो एडिट करेंगे, अपलोड में लगाएंगे, उसके बाद सोएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग्स में कल सुबह, अभी इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।